आगे बढ़ते अगले खबर की ओर। जमशेदपुर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं नए साल में जमशेदपुर में कोरोना से पहली मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 128 कोरोना मरीज के मिलने से प्रशासन हरकत में है। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक सहित 21 मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की भी काफी परेशान है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना मास्क बाजार ना जाए। जिले में 16 चेक नाका बनाया गया है जहां कोविड की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल से झारखंड और उड़ीसा से झारखंड आने वाले बॉर्डर पर भी चेक नाका आज से काम करना शुरू कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मनोज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मनोज, कोरोना संक्रमण को लेकर जांच दायरा बढ़ाया गया है, फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है जमशेदपुर की? सड़कों की भी हम तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर सभी लोगों की जांच की जा रही है। देखिए, पूरे जिले में 16 चेक नाका बनाया गया है और सभी चेक नाका पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं या शहर के रहने वाले लोग हैं वो बाजार जा रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। साथ साथ लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि आप मास्क पहनकर ही बाजार में निकले, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हालांकि कल राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसको लेकर अब पुलिस इस समय से ज्यादा सख्त दिख रही है सड़क पे। जो आम लोग भी है जो बेवजह घर से अगर निकल रहे हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है बिना काम के घर से बाहर ना निकले। साथ साथ जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और 2022 की बात करें, यानी हालांकि ज्यादा दिन हुआ नहीं है, 4 दिन अभी बीता ही है, तो एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है जिसके बाद 128 मरीज मिले हैं और लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक है वो कोरोना संक्रमित है, जो मेडिकल के जो डॉक्टर है जो पढ़ाई करने आए हैं वो संक्रमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कि अब सख्ती ला दी है और सड़क पर वो दिख रहा है। जी, तो जांच दायरा बढ़ा दिया गया है और जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारियों के लिए।